नमस्कार, मैं सपना यादव और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। इस समय हम मौजूद हैं जीटीवी अस्पताल के अंदर, जिसमें दिल्ली हिंसा के पीड़ितों को लाया जा रहा है, भर्ती कराया जा रहा है। वहीं साथ में खबर ये आई है कि अभी वर्तमान में 45 माइनर मरीजों को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिन्हें छोटी मोटी चोटें लगी हैं। वहीं कोशिश की जा रही है कि इन सभी मरीजों को शाम तक डिस्चार्ज कर दिया जाए। अस्पताल प्रशासन की तरफ से एक खबर और आई है कि यहाँ पर अभी 13 डेड बॉडीज़ को हैंडओवर नहीं दिया गया है, क्योंकि उनका अभी लीगल प्रोसेस बाकी है। जब ये लीगल प्रोसेस उनका पूरा हो जाएगा, परिवारजनों को उनकी ये डेड बॉडीज़ हैंडओवर कर दी जाएंगी। इस समय हम दिल्ली के सेव बिहार इलाके में मौजूद हैं, जहां आप देख रहे होंगे कि गाड़ियों का ये पूरा पार्किंग था, जहां पे गाड़ियां खड़ी हुआ करती थी। इसमें तमाम प्रकार की आप गाड़ियां देख रहे हैं, जो कि झुलस के पूरी तरह से राख हो चुकी है। यहां पे एक भी गाड़ियों को नहीं बख्शा गया है। ये पूरी मार्केट थी, और जिस प्रकार इसके इतना तेज़ रफ्तार से ये ज्वलनशील पदार्थ भड़का कि आगे बगल अगल बगल के जितने सारे मकान थे उसे भी नहीं छोड़ा, सारे मकान में भी आग लग गई। ये पार्किंग बताया जा रहा है कि यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी की जाती थी, लेकिन ये एक समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्या अचानक से, क्या संयोग से कोई व्यक्ति आके और इस इतनी बड़ी गाड़ियों के समूह में आग लगा के चला जाए और किसी को कानो कान फर्क भी ना हो। ये समझने वाली बात आप अपने दिमाग में समझिए कि जिस प्रकार आप गाड़ियों को देख रहे हैं कि यहाँ पे एक भी गाड़ियाँ नहीं बची हैं, यानी इसे आप साफ समझ सकते हैं कि इसमें काफ़ी समय तक यहाँ पे आग लगी रही। यहाँ पे एक भी गाड़ियों को किसी भी तरह से बचाया नहीं जा सकता। हालांकि यहाँ पे दंकल आई थी, यहाँ पे पानी बुझाया गया आग, लेकिन तब तक ये आग काफ़ी देर तक झुलसी, जिसमें सारी गाड़ियाँ खाक हो गई। यही नहीं, यहाँ के जितने भी घर हैं आप देख रहे होंगे, ये आग इतनी तेज़ भड़की कि अगल बगल के घरों तक इसकी लपटे जाके वहाँ भी तहस नहस मचा दिया। ये बड़ा प्रश्न ये बन जाता है कि क्या ये अचानक से हुआ या फिर इसका पूरा प्रयोग किया गया, क्योंकि यदि अचानक से होता तो इस प्रकार से इतनी सारी गाड़ियों को जलाना मुश्किल है। हमारे साथ यहीं के पार्किंग के मालिक मौजूद हैं। सर, बताइए कि ये आगजनी कब हुई, और क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सारी गाड़ियों को खा, क्या कहना है आपका? नहीं भैया, संयोग नहीं है, तो साजिश है, क्योंकि ये 24 तारीख से लेके और 25 तारीख तक जो बराबर इस तरीके की आगजनी चलती रही है, लड़ाई झगड़े चलते रहे, तो ये तो साजिश है। अच्छा, और ये लूटपाट भी हुई है, दुकानें सारी लूट ली गई हैं। अब ये इसमें कह नहीं सकते, कुछ मॉमडन भी हैं, ऐसे नहीं है कि भाई हिंदुओं की है सब, लेकिन है ज़रूर साजिश के तहत ही हुआ है सब कुछ। प्रॉपर्टी हिंदुओं की है, कुछ गाड़ियाँ इसमें मॉमडन भी हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की सारी है, तो सब जान पूछ के सारा प्लान करा हुआ था। यानी यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी होती थी वो दोनों धर्म के लोगों की खड़ी होती थी, लेकिन ये पूरा खाक कर दिया गया है। तो क्या लगता है आपको, ये कब तक, कितनी देर तक यहाँ पे आगजनी चली, क्या दमकल की गाड़ी आई यहाँ पे बचाना चाहिए, क्या कुछ घटना के बारे में बताइए? ये 2 दिन तक चलती रही है घटना, 24 से 25 के शाम तक जो है ना जाके थोड़ा डाउन हुआ है 25 को, बाकी 2 दिन लगातार चलता रहा है आगजनी, पत्थर गोलियाँ या दहशत का माहौल। हम आपसे एक ये जानना चाहेंगे, क्योंकि सबके दिमाग में एक प्रश्न ये उठता है कि क्यों इसी को क्यों टारगेट किया गया, यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी थी इसी को क्यों टारगेट किया गया? मैं आप दिखाएंगे तभी मैं अगर आप मैं बताऊँगा तो ये है, ये ऐसा लगता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि CA का विरोध चल रहा था यहाँ दिल्ली में, और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर पर वहाँ यहाँ लोग बैठे भी हुए थे, करीब 2 महीने 1.5 महीने से जो भी लोग बैठे हुए थे। तो बाहर से आप जानते हैं कि 24 तारीख में यहाँ ट्रंप आए हुए थे, बिल्कुल, तो ये लोग शायद, ये हो सकता है कि इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए इन्होंने पहले प्लान किया हो कि किस तरीके से बाहर से मीडिया आए और ये हाईलाइट हो जाए सब मामला। अब ये नुकसान का नहीं है कि इन्होंने कि नुकसान किसी का कोई मरे या उससे नहीं है, इन्होंने तो ये हाईलाइट करना था भाई इसको कैसे हाईलाइट किया जाए, क्योंकि तवज्जो लोग बक दे नहीं रहे थे इसको, बिल्कुल भी कुछ था ही नहीं इसमें, तो ये जान के चुन चुन के जो है ना सबको टारगेट किया गया। ये जो घर से घर यहाँ पे जो झुलस चुके हैं ये इसी आगे के कारण ये पूरी आगे लगती है, बिल्कुल बिल्कुल। और सभी 90% सब हिंदुओं के प्रॉपर्टी को ही डैमेज किया गया। वो जो मॉमडन प्रॉपर्टी है वो तो हो सकता है कि उसकी लपेट में आ गई हों एक आध, लेकिन जानबूझ के जो है सब हिंदू प्रॉपर्टियों को ही डैमेज किया गया, ख़त्म किया गया, ये साजिश के तहत है सब चीज़, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए।
जैसा कि आप सुन रहे थे, अभी तक यहीं के व्यक्ति मौजूद थे जो इस पार्किंग के मालिक हैं। उन्होंने बताया कि ये साजिश के तहत किया गया, यह कोई संयोग नहीं था, इस पर पूरी तरह से साजिश करके यहाँ पे आगजनी की गई और यहाँ के गाड़ियों को जलाया गया। दिल्ली दंगों के उपरांत अब राहत कार्य चालू हो चुका है और लोग अपने घरों से निकल करके और अपने अपने जो दुकानें हैं जो जल करके खाक हो गई हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है, उसके बाद लोग अब घर से निकल चुके हैं और ये देख रहे हैं कि उनका कितना नुकसान हो गया है और कितने सालों बाद इससे वो उभर पाएंगे। और कुछ यहाँ पर जो इन्होंने इनके हाथों में एक फार्म है, दिल्ली सरकार ने ये फॉर्म अलॉट किया है और इससे दिखाना चाहूँगा मैं कि देखिए इस पर जो दिल्ली दंगे राहत एवं पुनर्वास मुआवजे के दावे के लिए आवेदन पत्र, यानी कि मुआवजे के लिए भी अब ऐलान कर दिया है दिल्ली सरकार ने और जो भी मुआवजा होगा, जो भी नुकसान की भरपाई होगी वो दिल्ली सरकार ने ऐसा ऐलान किया है कि करेंगे। वो जो हालात थे उस वक्त के वो थोड़ा हमें बताइए किस तरह। सर जी हमें कुछ नहीं पता, हमारी तो जान ही बची है, जान ही बची है बस हमारी, और कुछ नहीं बचा। ये दुकान किसकी है ये इधर ये बेकरी का इसका काम था, मेरा जो है जनरल स्टोर था, इसमें पार्टीशन लगा रखा था जी हमने बीच में। कितने लाखों का नुकसान हुआ आपका? कम से कम 10-12 लाख का नुकसान है ये दोनों भाइयों का। तो अब क्या लग रहा है आपको, ये मजहबी जो नफरत है ये मिटेगी नहीं मिटेगी? मिटनी चाहिए, बस मिटनी चाहिए। आपको क्या लगता है किसने ये जो पूरे दंगे हैं इसमें किसका हाथ हो सकता है, किसने फैलाई? सर जी हम जो है राजनीतिक आदमी नहीं है, हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो खाने कमाने वाले, हमें खाने कमाने से ही फुर्सत नहीं है। वो मंजर कैसा था जब यहाँ पे हालात जो थे वो बिगड़े हुए थे, गोलीबारी हो रही थी, आगजनी हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, आप कहाँ पे थे और आपके घर का माहौल कैसा था? सर हम जो है अंदर घुस गए थे पार्क में, घर मेरा थोड़ा यहाँ से दूर है तो हम पार्क में घुस गए थे जी, हमें तो बस यही लग रहा था कैसे भी हमारी जान बच जाए। कैसे कैसे जान बचाइए सर हमें पता है, बस हम इसी चीज़ को चाहते हैं कभी ऊपर वाला ऐसी किसी पर भी विपदा ना आने दे और हम संतुष्टि बनाना चाहते हैं, सब में सही रहे, अपना एक काम धंधे पर आदमी ध्यान रहे तो इस दंगों से मतलब ही ना हो किसी को। और जिन लोगों की दुकानें जली हैं, जिन लोगों की दुकानों का नुकसान हुआ है, वो उसके भीतर रखे हुए सामान का नुकसान हुआ है, उन्हें 5-5 लाख रुपए की जो है भरपाई की जाएगी। दिल्ली दंगे का ये वो हिस्सा है जहाँ पर आग भड़की थी और ये लगभग ये शिव बिहार का ये जो चौक है वहाँ पर हम मौजूद हैं और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएँ यहाँ पर जो सामने दिखा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आग लगाई गई है, लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, लोगों की दुकानें तोड़ी गई हैं, शटर तोड़े गए हैं और अब जो यहाँ पर माहौल देख रहे हैं आप, यहाँ पर कुछ लोगों की चहलकदमी है लेकिन यहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार ने जो योजना बनाई है उस पर मुआवजे की योजना बनाई है और यहाँ पे लोग अब आकर के और अपने नुकसान को देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने ये नुकसान झेला है, किस तरह से दिल्ली दंगे में लोगों का नुकसान हुआ है, निजी क्षति पहुँची है, साथ में लोगों में जो खौफ उस दिन से पैदा हुआ है वह वाकई डरावना है और उनसे बात करते समय हमने ये जाना और उनके चेहरे से भी ये साफ हो रहा है कि जो खौफ उनके और जो मंजर उन्होंने देखा है वो साफ कह रहे हैं कि ये मंजर हमने कभी नहीं देखा था और आज का जो मंजर है वो वाकई डरावना है। जैसे मैं कहूँगा कि वो दिखाएं कैमरामैन कि ये देखिए जिस तरह से वहाँ पे आप एक घर देख पा रहे होंगे, पूरे घर के कांच टूट गए हैं, घर पे आग लग गई थी और पूरा वो घर जल करके खाक हो चुका है, साथ में यहाँ जो जीने की तोड़फोड़ हो गई, यहाँ पे पूरा आग लगी, कारों का नुकसान आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे किसी कार में हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा, ना किसी मज़हब का नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये जो निजी क्षति पहुँची है लोगों को ये हर धर्म के लोग को पहुँची है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, क्योंकि ये जो पार्किंग है और इस पार्किंग में जो आग लगाई गई है, मैं आपको बता दूं कि इसकी खास वजह ये बताई जा रही है यहीं की स्थानीय लोगों के द्वारा, वो ये कह रहे हैं कि कार पार्किंग किसी हिंदू की थी इसलिए ऐसा किया गया, वो साफ ये कह रहे हैं, यानी कि कार किसकी खड़ी हो रही है, वाहन किसके खड़े हो रहे हैं इससे कोई भी मतलब नहीं रखा गया, केवल आग लगाई गई किसी एक मजहब को टारगेट करते हुए। तो चलिए हम लोगों से भी बात करते हैं और लोगों से ये जानते हैं कि आखिर किस तरह का वो माहौल रहा और किस तरह लोगों ने जो ये जिल्लत झेली जिस तरह से ये दिल्ली दंगे हुए उस पर लोगों से ही जानते हैं और जो यहाँ पर कारें जलाई गई हैं क्या यहाँ पे वो लोग और वो जो मालिक है जिनकी कारें यहाँ पे जलाई गई हैं उनसे हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो हिंदू भी और मुसलमान भी सबका नुकसान हुआ है। इसमें आपकी भी कार है क्या? नहीं मेरी नहीं है लेकिन ये इन भाई की कार है। अच्छा भाई साहब की कार है। चलिए हम जिनकी कार है हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो कार जलाई गई उसके नुकसान क्या दिल्ली सरकार कर पाएगी या कोई भी कर सकता है या कोई मजहब कर सकता है। सर आपकी कार जलाई गई है, हमारे भतीजे की गाड़ी थी, इनमें से पहचान में ही नहीं आ रही है कौन सी है। पहचान में नहीं आ पा रही, बताओ ना नंबर प्लेट है ना कुछ है, आपके सामने है सारा कुछ। अब क्या लगता है जो तबाही है वो ना तो किसी समुदाय ने करी है ना किसी धर्म ने करी है, ये तो इंसानियत की है जी। इसमें किसी पे लिखा हुआ है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, आप बताओ सर। यहाँ हम तो थे ही नहीं, हमें तो बाद में पता लगा है 4 दिन बाद जब यहाँ पे मीडिया आई है कि आपकी यहाँ पे ये सब हो चुका है। हम तो बाहर थे दंगे के सुन के, हम तो बाहर ही रुके हुए थे। ये जो एंटी नेशनल फोर्सेस
ऐसा ही वर्ड बोलूँगा मैं, अब उसमें कोई भी शामिल हो सकता है, वी कैनॉट पिन पॉइंट और इवन मतलब अब उसमें भले और बुरे की तो कोई पहचान है नहीं, लेकिन ये है कि इमेज हिंदुस्तान की ख़राब हो और ग्लोबल फोरम पे हिंदुस्तान को पहचाना जाए कि ये हो रहा है हिंदुस्तान में जो कि अपने को मसीहा शांति का बताता है। हमारे साथ यहीं के कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी दुकानें जल के खाक हो गई है। आपकी ये चारों दुकानें हैं जी, दिखाइए जरा इनके दुकानों को, ये चार इसमें किस चीज़ की दुकान थी आपकी? ये नमकीन की होलसेल की, नमकीन बिस्किट की होलसेल की दुकान थी, ये सेंट फ्रूट वगैरह की दुकान थी, वो बीडी की दुकान थी, ये चार दुकानें तहस नहस कर दी है, पहले लूट के ले गए उसके बाद उन्होंने तहस नहस कर दिया है सामान, यहाँ से लूट के ले जाए, पहले लूट के लेके गए उसके बाद जब उन नहीं ले जा पाए तो उन्होंने आग लगा दी है। हम यहीं खड़े होकर देख रहे थे दूर से, तो हमारे हम यहाँ बचाने के लिए आए तो उसके बाद हमारे ऊपर पथराव हो गया है।